Hello everyone, this is Ayushi. If you are new to my channel, first click on subscribe button. In today's video, I will explain you Python set. So, previous videos में मैं बता चुकी हूँ कि हम list कैसे बनाते हैं, हम tuple कैसे बनाते हैं, और अगर आपने list और tuple दोनों नहीं समझे हैं, तो मेरे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उनको पहले देखिए, तभी ये समझ में आएगा कि set क्या होता है. It's just like लिस्ट और टपल. यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि हम सेट को बोल सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है, जिसमें जो एलिमेंट्स है, कलेक्शन है, ये अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड है. मतलब आप इसको इंडेक्स के थ्रू इसको फाइंड आउट भी नहीं कर पाओगे, इनकी वैल्यू को चेंज भी नहीं कर पाओगे. और जैसा हमने लिस्ट में प्रिंट किया था कि हम जिस सिक्वेंस में उसे प्रिंट कर रहे थे, उसी सिक्वेंस में हमें लिस्ट मिल रही थी, ऐसा इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा. जैसा आप देख रहे हो, मैंने सेट बनाया. सेट बनाने के लिए आप चाहो तो सेट कीवर्ड लिख सकते हो, अदरवाइज आप जिस नाम से सेट बनाना चाहें उस नाम से बना सकते हैं. इसमें क्या यूज होता है, अगर लिस्ट की बात करती हूँ तो लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, टपल में सर्कुलर ब्रैकेट यूज होता है, और सेट में कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं. तो आपको आइडेंटिफाई आराम से हो जाएगा, जहां भी आपको अगर कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इट मीन्स वो सेट है. नोट है, सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सो यू कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम विल अपीयर. आप बिल्कुल भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जैसे मैंने सेट बनाया था 20, 30 और 40 प्रिंटो, तो एज इट इज वही प्रिंटो, मेरा क्या प्रिंट हुआ है 40, 20 एंड 30. नाउ हाउ वी असेस आइटम्स इन सेट. You cannot assess item in a set by referring to an index. Since sets are unordered, the item has no index. जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अनऑर्डर्ड है. जो चीज़ अनऑर्डर्ड है, ऑब्वियसली उसका इंडेक्स नहीं हुआ है, इसीलिए वो अनऑर्डर्ड है. अगर वो उसका इंडेक्स होता तो वो वन बाय वन ही आती. जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट हमने दिया है वही एलिमेंट प्रिंट होता, वन इंडेक्स पे जो है वही प्रिंट होता, और फिर टू पे जो है वही प्रिंट होता. लेकिन ये इसमें इन अनऑर्डर्ड वे में हमें आउटपुट मिल रहा है, इट मीन्स इसमें इंडेक्स नहीं है. आप आइटम्स को एसेस नहीं कर सकते. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सेट में आइटम्स को एसेस ही नहीं कर सकते. आप कर सकते हो, लेकिन वो करने के लिए आपको फॉर लूप पढ़ना पड़ेगा. तो फॉर लूप जब हम पढ़ाऊंगी, जब मैं पढ़ाऊंगी फॉर लूप, तब आपको हम सेट में कैसे फॉर लूप यूज करके आइटम्स को एसेस कर सकते हैं ये भी बताऊंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो. होप दिस इन्फॉर्मेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू, एंड इफ यस, सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन. थैंक यू so much.